आपके रासायनिक संगठन बदल जाता है, यानी कि आंतरिक जो संरचना है उसकी आंतरिक जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ जाता है और उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, अर्थात अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके लिए हमारे जो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी में बहुत सारे सब्जी कट करते हैं, उसमें मसाले सब्जी डालते हैं और बनने के बाद जो सब्जी बनती है, क्या उस सब्जी से हम वापस से कच्ची सब्जी जो बनाई थी वो मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हो गया, वो पक गया। और यह जो रासायनिक परिवर्तन है हमारा स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी, यानी कि एक बार जो पदार्थ बन गया उससे वापस से हम प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यह कैसा होता है? स्थायी। अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक ही दिशा में चलता है। जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उससे नया पदार्थ बन जाता है, वापिस से पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते और इसमें नया पदार्थ बनता है। इसके उदाहरण हैं कागज का जलना, जैसा कि हमने पहले लिया था भौतिक परिवर्तन में, कागज को फाड़ा, तोड़ा, मोड़ा, शेप चेंज हो गई, उसमें कोई रासायनिक आंतरिक चेंज नहीं आए। इसके अलावा अगर इसी कागज को हम जलाएं, कागज को जलाते हैं तो क्या बनती है? राख, यानी कि राख बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कागज की तुलना में नया पदार्थ बना है। इससे इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। अलग है एक बल्ब का फूटना, यानी कि हमने बल्ब जलाया और वह अचानक फूट गया, क्या उससे हम नया बल्ब वापस से बना सकते? नहीं बना सकते, उसमें क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया है। मोमबत्ती का जलना, जैसा कि मैंने पहले बताया मोमबत्ती पिघल रही है, पिघलने के बाद क्या हुआ? मोम वापस मिला और मोम से हम मोमबत्ती बना सकते हैं, जबकि उसी में मोमबत्ती जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो वो कौन सा चेंज हो रहा है? रासायनिक। दूध से दही बनना, दूध में हमने जामुन डाला, दही जम गई, क्या हम दही से वापस दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें दही एक नया पदार्थ बन गया और दही से वापस हम दूध नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या हो गए हैं? उसकी आंतरिक संरचना ही चेंज हो गई है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, और ये इसमें हो गया रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये एक आम होने वाली घटना है, लगभग बारिश का मौसम में होता है, या नम वातावरण में अगर लोहे या लोहे की कील को हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद वो वस्तु टूट ही जाती है, वापस से लोहा प्राप्त नहीं कर सकते उससे। सेब का काटना, अब हमने सोचा कि सेब काट दे उसमें कौन सी केमिकल चेंज हो रहा है? उसमें चेंज हो रहा है, सेब को काटा कुछ समय पश्चात उसमें जो आयरन होता है वो वातावरण की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसमें उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। सेब को काटने में क्या हुआ? रंग परिवर्तन भी एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। मेहंदी का रचना, अक्सर लेडीज मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी हमने लगाई ग्रीन कलर की थी और रचने के बाद वो हो जाती है हमारी रेड कलर हो गया। रेड कलर होने के बाद क्या उससे हम वापस हरी मेहंदी बना सकते हैं? नहीं। इसके अलावा एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेरे पास मानो ये एक मैग्नीशियम का फीता है, ये है नहीं लेकिन मैं इसका इमेजिन करूँ, ये क्या है? मैग्नीशियम का फीता। अब ये मैग्नीशियम का फीता है हमारा, इसको हम अब इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है Mg है, अभी इसका क्या है फॉर्मूला मैग्नीशियम का फीता का? Mg। अब यदि इसी अब इसमें हो रहा है हम अब इसी को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं तो राख बनी तो जला, ये वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसे रिएक्शन करके क्या बना लेता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें भी ये रासायनिक चेंज हो गया, तो ये भी क्या है? रासायनिक फॉर्मूला। तो अच्छा बच्चों, आज हम इस वीडियो में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका आगे का टॉपिक जो कि हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे।